वन आज मैं मूवी देख के आया हूँ दंगल, जो कि रेसलिंग पे बेस्ड कहानी है। ये कहानी है गीता कुमारी फोगाट की, जिनके फादर महावीर सिंह फोगाट या महावीर कुमार फोगाट, मैंने महावीर फोगाट ज़्यादा सुना है, तो जिनका रोल प्ले किया है आमिर खान ने। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस मूवी के लिए। सबसे पहले फिट पूरा बॉडी बिल्डर, सेकेंड हैवी बॉडी बिल्डर, थर्ड एज ए यंग एज पेट वाले फादर, और फोर्थ हो गया वो बुढ़े के रोल में दिखे हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डायरेक्टर का, एक्टर का, और जिन्होंने रेसलिंग सिखाई, आमिर खान से रेसलिंग करवाई और गीता से रेसलिंग करवाई और बबीता से रेसलिंग करवाई, और छोटे जो छोटे अपना एक्ट्रेस ने रोल किया गीता बबीता का, बहुत ही बेहतर। ये फिल्म एक मिसाल है रेसलिंग की मूवी के ऊपर, और ये बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। मैं नितीश तिवारी का भी बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे डायरेक्शन की है। आमिर खान जी ने प्रोडक्शन की जो बहुत ही बढ़िया, उन्होंने एक ऐसा मूवी को प्रेजेंट किया है जो कि गर्ल्स के ऊपर है कि देश में गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि महावीर सिंह का पहले मानना था कि मुझे एक लड़का चाहिए, अगर उस वो मेरे लिए देश के लिए मेडल लेके आएगा, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सपना पूरा किया, अपने देश का सपना पूरा किया, और अपने दिल पे पत्थर रखा था उन्होंने कि अगर उनको लड़का नहीं है तो मेडल नहीं लेके आ सकते। उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि देखा कि लड़कियों में भी वो जज्बा है मेडल लेके आने का, तो उन्होंने उनको वैसे रेडी कर दिया। ये एक मूवी नहीं है, ये एक आमिर खान ने अपने आप में 1.5 साल में अपनी बॉडी के साथ, अपने प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्टर के साथ एक जबरदस्त वाला दंगल लड़ा है। तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। रिव्यू देखने हैं देखिए, नहीं देखने हैं ना देखिए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मूवी ज़रूर देखिए। उससे पहले कि आपको कोई बोल दे यार मूवी ख़राब है ये वो, उससे पहले आप खुद ही रिव्यू देखे मेरा, तो मूवी भी देख के आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।